टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में इन दिनों कहानी पल पल में बदल रही है। सीरियल में जल्द ही लीप आने वाला है और ऐसे में मेकर्स अक्षरा और अभिमन्यु को मिलाने से पहले कई सारे ट्विस्ट ला रहे हैं। एपिसोड में देखने को मिला था कि मंजरी अक्षरा और अभिमन्यु की शादी रोकने के लिए अपने हाथ की नस काट लेती है, जिसके बाद अक्षरा शादी नहीं करने की बात कहती है। अब कहानी में नया ट्विस्ट आएगा। प्रणाली राठौर और हर्षद चोपड़ा स्टारर इस सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में अभिमन्यु अपनी माँ को छोड़कर अक्षरा को चुनेगा। इतना ही नहीं, आरोही मंजरी की अक्ल ठिकाने लगाएगी। अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अक्षरा अभिमन्यु को फोन पर बोलती है कि अगर वो अपनी माँ को चुनेगा तब भी उसे कोई परेशानी नहीं है। ये बातें मंजरी सुन लेती है और खुश हो जाती है। अभिमन्यु कहीं नहीं जा रहा, लेकिन अभिमन्यु अक्षरा को चुनता है। वो मंजरी को शांत करवाता है और उससे अपना हाथ छुड़वा लेता है। वो मंजरी से साफ बोलता है कि वो अक्षरा से शादी करना चाहता है और वो इस रिश्ते को निभा लेगा। अभिमन्यु के जाते ही मंजरी घर में तोड़फोड़ कर देती है। इसके आगे सीरियल में देखने को मिलेगा कि अभिमन्यु अक्षरा के घर पहुंच जाता है, जहां पर वो पहले उसे गले लगाता है और फिर उसे खाना खिलाता है। इस दौरान अक्षरा उसे समझाने की कोशिश करती है। तब अभिमन्यु बोलता है कि मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, परसों हमारी शादी है, ना तारीख बदलेगी और ना ही मेरा फैसला। दूसरी तरफ बिरला हाउस में आरोही मंजरी की अक्ल ठिकाने लगाती है। वो मंजरी को साफ बोलती है कि मुझे शर्म आती है कि आपने अक्षु और अभी की शादी रोकने के लिए अपने हाथ की नस काट ली। ये सब आपकी तपस्या नहीं बल्कि जिद है। आपने अपनी जिद में आकर ही अबीर की कस्टडी का केस किया। आरोही मंजरी पर अभिमन्यु की लाइफ कंट्रोल करने का आरोप लगाती है। इसके बाद दोनों ही बहस होती है और आरोही रूही के साथ घर छोड़ने का फैसला ले लेती है। वो नील की फोटो भी ले जाती है। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता में देखने को मिलेगा कि आरोही रात को गोयनका हाउस चली जाती है। वहां बड़े पापा से रहने की बात करती है और इसके बाद आरोही और अक्षरा एक ही कमरे में सोते हैं, जहां अक्षु रात में अपनी बहन को लात मार देती है। दूसरी तरफ अभिमन्यु रूही के साथ वक्त बिताता है। सीरियल में आगे बड़ा ड्रामा देखने को मिलेगा। अक्षरा प्रेग्नेंट है लेकिन वो गिर जाती है।